ये पापा जी को ना घंटा प्यार मोहब्बत नहीं हुआ, बस उनका पुराना प्रेशर कुकर ना सीटियां मारने ही नहीं छोड़ रहा। बाप को किसी और। वरुण धवन और केयर एडवानी की फिल्म जुग जुग जीओ जू की पिछले 19 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बना रही है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फिल्म के शुरुआती 19 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। सो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आप लोग वरुण धवन के डाई हार्ड फैन है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जुग जुग जीओ फिल्म की डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपडेट मिलती है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इस फिल्म को रिलीज किया था 24 जून को। फिर इस फिल्म के बाद 1 जुलाई को 3 नई फिल्में रिलीज हुई, उनमें से एक भी नहीं चली। फिर 8 जुलाई को भी 2 फिल्में रिलीज हुई, जहां पर थॉर फिल्म अकेली चली और खुदाफिश 2 फिल्म बिल्कुल भी नहीं चली। लेकिन दोस्तों जुग जुग जीओ फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर बेहतर कमाई करते जा रही है। बात करें फिल्म की अब तक के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने फर्स्ट वीक में इंडिया नेट कलेक्शन किया 53,66,00,000। वहीं पर इस फिल्म ने अपने सेकंड वीक में इंडिया नेट कलेक्शन किया 20,05,00,000। बात करें फिल्म के थर्ड वीक कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपनी 15th डे इंडिया नेट कलेक्शन किया 92,00,000 और 16th डे इंडिया नेट कलेक्शन किया 1,80,00,000। वहीं पर इस फिल्म ने अपनी 17th डे यानी कि संडे को इंडिया नेट कलेक्शन किया 2,05,00,000 और इस फिल्म ने अपने 18th डे यानी कि 18वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन किया 70,00,000। फिल्म ने 18वें दिन इतना कम कलेक्शन इसलिए किया क्योंकि 18वें दिन मंडे था, यही वजह रही कि इस फिल्म ने बहुत ही कम कलेक्शन किया। वहीं पर आज इस फिल्म का ट्यूसडे है यानी कि 19th डे, और ये फिल्म आज यानी कि ट्यूसडे को इंडिया नेट कलेक्शन करने वाली है 65,00,000। सो इसी के साथ जुग जुग जीओ फिल्म का शुरुआती 19 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो जाता है 79,83,00,000, और इस फिल्म ने शुरुआती 19 दिनों में टोटल इंडिया ग्रोस कलेक्शन कर लिया है 95,60,00,000। बताना चाहूंगा दोस्तों इस फिल्म ने अब तक ओवरसीज मार्केट से 39 करोड़ की कमाई कर ली है। सो इस फिल्म का अब तक का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 134,60,00,000। बताना चाहूंगा दोस्तों फिल्म को 85 करोड़ के बजट पर बनाया था। सो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से एवरेज हो चुकी है। हालांकि दोस्तों अब इस फिल्म को सेमिएट होना है क्योंकि ये फिल्म 90 करोड़ की कमाई करने वाली है। सो ये फिल्म सेमिएट भी आसानी के साथ हो जाएगी। अगर ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में एंटर हो जाती है तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से हिट हो जाएगी। हालांकि दोस्तों आप लोग कमेंट कर बताना कि इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन कितने करोड़ रहने वाला है, साथ ही साथ इस फिल्म का फाइनल वर्डिक्ट क्या आएगा। आप लोग अपनी राय कमेंट कर जरूर बताना।